हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुशवाहा कंप्यूटर एंड साइबर कैफे। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि स्कॉलरशिप का जो फॉर्म भरा रहा है उसके सेशन के हिसाब से डेट को रखा गया है। अगर आप 19, 20 और 20-21 सेशन के अंतर्गत आते हैं तो आपके लिए मात्र लास्ट डेट 30/10/2021 तक है। अगर आप 21-22 सेशन के अंतर्गत आते हैं तो आप 30/11/2021 तक ऑनलाइन कर सकते हैं, और ये अपडेट आज शाम को आया है। तो आप अगर 20-21 और 21-22 सेशन में आते हैं तो 30 तक कर सकते हैं। अगर 2021-2022 के पहले के सेशन में हैं तो आप 30/10 तक आवेदन कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द अपना आवेदन करा लें, मात्र 3 दिन का समय बचा है। और जो विद्यार्थी 2021-2022 सेशन में यानी इस साल एडमिशन कराए हैं उनके लिए 30/11 तक का समय रखा गया है। तो इसको पूरा विस्तार से समझने के लिए चलिए हम ले चलते हैं आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पोस्ट मैट्रिक के आ चुके हैं, और यहाँ देखिए नोटिफिकेशन शो हो रहा है 2019-2020 और ये 2020-2021 रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट विल क्लोज ऑन 31/10/2021। मात्र 2 दिन, आज आपका 28 तारीख हो गया, 29, 30 और 31 को ये क्लोज हो जाएगा। और कहा गया है कि 21-22 का जो रजिस्ट्रेशन है, 21-22 का रजिस्ट्रेशन है उसके लिए डेट जो है वो 30/11/2021 तक रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 19, 20 और 20-21 के लिए जितने भी छात्र हैं उनके लिए मात्र 3 दिन का समय बचा है स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए। उसके बाद ये साइट क्लोज कर दिया जाएगा। अगर आप इस साल एडमिशन कराए हैं 2021-22 सेशन में तो आप 30/11/2021 तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है स्कॉलरशिप को लेकर, तो आप जल्द से जल्द अपना आवेदन करा लें और डॉक्यूमेंट तैयार करा कर, अन्यथा आपका आवेदन नहीं हो पाएगा। तो आप जितना भी जल्दी हो ये आवेदन करा लें। और लास्ट डेट आपका 30/10/2021 है 19, 20 और 20-21 सेशन वालों के लिए, और 21-22 जो रजिस्ट्रेशन है वो 30/11/2021 तक है। तो आप जल्द से जल्द अपना आवेदन करा लें। और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।